बखमूत की हार के बाद यूक्रेन की सेना अब भीषण बदला लेने पर उतर आई है। क्या अब जेलेंस्की ने रूस के अंदर अटैक का आदेश दे दिया है? क्या जैसे रूस यूक्रेन को दहलाता है, वैसे ही अब यूक्रेन रूस को थर्राने वाला है? यूक्रेन ने दावा किया है कि वो जवाबी हमले के लिए तैयार है। भयंकर काउंटर अटैक शुरू होने वाले, रूस में घुसकर ऐसा हमला होगा जिससे रूस दहल उठेगा। तोप से हमला, रॉकेट से हमला, प्लेन से बम बरसे, हिमार्स से हमला, समंदर में भी लग गई आग, धरती, जलता शहर, दहकते दरख, दहलता आसमान, आसमान में धुएं का गुबार, धराशायी इमारतें, मिलिट्री प्लांट में आग, जल उठी पुतिन की हथियार फैक्ट्री, रूस की सीमा के अंदर बरसे तोप के गोले, अप्रत्याशित हमले से रूस टोले। क्या ये बखमूत का बारूदी बदला है? क्या ये यूक्रेन का पलटवार है? क्या ये जेलेंस्की का प्रतिशोध है? क्या ये अमेरिका के हथियारों के भूते हो रहा है? क्या ये ब्रिटेन का तैयार किया बदले का ब्लूप्रिंट है? इन सवालों ने सनसनी मचा रखी है। रूस में हो रहे इन हमलों ने हड़कंप मचा रखा है। रूस के बॉर्डर से लगे इलाकों में विस्फोट का शोर है, ताबड़तोड़ हमले पर जोर है। सवाल है, क्या रूस पर हमला अब शोर है? अब तक यूक्रेन में रूस की बमबारी देखते ही बर्बाद होता बखमूत दिखता था, शोले से दहलता सोलेदार दिखता था, जहन्नुम बना मारियोपोल दिखता था। लेकिन अब रूस के अंदर विस्फोट की तस्वीरें दिखने लगी हैं, रूस में घुसकर हो रहे हमले दिख रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति के आवास पर ड्रोन से अटैक दिख रहा है। बेलगरा, ब्रांस, क्रेमलिन, रूस के अंदर ऐसा हमला होगा इससे पहले किसने देखा था? रूस जैसे ताकतवर देश में घुसकर कोई उसके हथियार की फैक्ट्री में आग लगा देगा, ऐसी तस्वीर कब दिखी थी?
रूस की न्यूक्लियर फोर्स को बेलग्राद से अपने परमाणु हथियारों को हटाना पड़ेगा, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्रेमलिन पर हमले की हिमाकत होगी, ये नामुमकिन जैसा था। रूस के शहरों में ये क्या हो रहा है? क्या ये रूस पर आने वाली नई आफत का संकेत है? क्या ऐसा कर रूस को विश्व युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है? यूक्रेन के खार्किव से सटे बेलग्राद में विस्फोट हो रहे हैं, क्राइमिया से सटे रूस के इलाकों में हमले हो रहे हैं, बेलारूस से लगे रूस के प्लस्को इलाके में तेल पाइपलाइन पर हमला हुआ है, रूस की सीमा से सटे रूस के दक्षिणी बेलग्राद में विस्फोट हुआ है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने ये हमले किए हैं। यूक्रेन के तोपखानों ने गोले बरसाए हैं, मोर्टार के गोले दाग बेलग्राद में आग बरसाई गई है, ड्रोन से हमला कर यूक्रेन की धरती को दहलाया जा रहा है। Да, были обстрелы. Гребаронский, Шебекинский, Белгородский, Волоконский район округа обошлось, слава богу, без жертв. रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले भी बेलग्राद और ब्रांस्क में बगावत की आग लगी, बारूद से आगजनी को अंजाम दिया गया, लेकिन रूस ने दावा किया कि विद्रोहियों पर काबू कर लिया गया। रूस के खिलाफ हथियार उठाने वालों को खत्म कर दिया गया, लेकिन 72 घंटे के बाद एक बार फिर रूस के अंदर हुए हमलों से नई बहस शुरू हो गई है। क्या बखमूत में मुंह की खाने के बाद यूक्रेन की सेना भीषण बदला लेने पर उतारू हो गई है? क्या अब ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर अटैक का आदेश दे दिया है? क्या जैसे रूस यूक्रेन को दहलाता है, वैसे ही अब यूक्रेन रूस को थर्राने वाला है? यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन जवाबी हमले के लिए तैयार है। भयंकर काउंटर अटैक शुरू होने वाले हैं। जवाबी हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। ऐसी खबर है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने काउंटर अटैक के लिए गुप्त बैठक बुलाई है, जिसमें यूक्रेन के काउंटर अटैक के एक्शन प्लान पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि दावा किया गया कि काउंटर अटैक कर यूक्रेन न सिर्फ अपने हिस्सों पर दोबारा कब्जा करना चाहता है, बल्कि दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो रूस की सीमा में घुसकर हमला करने की भी क्षमता रखता है। बेलग्राद पर हमलों के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस पर बड़े हमले का साया मंडरा रहा है। इसे लेकर 6 बड़ी और ठोस वजह पेश की गई है। वजह नंबर 1, मॉस्को में क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से डायरेक्ट अटैक। रूस ने दावा किया कि दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। वजह नंबर 2, करीब 2 महीने पहले यूक्रेन से जुड़ा एक ड्रोन मॉस्को के करीब तक पहुंच गया था। मॉस्को के काफी करीब पहुंचने का मतलब है मॉस्को पर कभी भी हमला हो सकता है। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रियाज़ान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है। वजह नंबर 4, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 5, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल एयर बेस है। एंगल एयर बेस पर हमला कर यूक्रेन रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा चुका है। वजह नंबर 6, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर ये दावे सच साबित हुए तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस पर आ रहे काउंटर अटैक की आशंका यूक्रेन से आ रही तमाम तस्वीरों से और बढ़ जाती है। यूक्रेन की सेना अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन का प्रदर्शन कर रही है। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी कर दावा किया कि उसके एंटी एयरक्राफ्ट गन गैपर्ड लगातार रूस के अटैकिंग ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना का कहना है कि गैपर्ड रूस के लिए काल बना हुआ है, क्योंकि इसके एक्शन में आने के बाद वो चाहे रूस का ड्रोन हमला हो या फिर रॉकेट से हमला, सब बेअसर साबित हो रहे हैं। रूस के हमले को बेअसर बनाने के लिए रूस की सेना का दूसरा सबसे असरदार रक्षक बना हुआ है फ्रांस की क्रोटल मिसाइल सिस्टम। इस वीडियो को यूक्रेन के एक एयर कमांड सेंटर ने जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन को फ्रांस से मिला क्रोटेल मिसाइल सिस्टम दिख रहा है। क्रोटेल को क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन का काम तमाम करने के लिए तैनात किया गया है। रूस की एक न्यूज वेबसाइट रिडोका की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन से हमले हो रहे हैं तो मॉस्को पर फिर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क किया गया है उसके मुताबिक अगर रूस में हमला करने वाले ड्रोन यूक्रेन से आए तो सीधा मतलब है कि यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन है, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है।
दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि रूस के अंदर यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के अंडरकवर फाइटर मौजूद हैं। अगर ये दावा सच साबित हुआ तो रूस में आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के सैस कमांडो ट्रेंड कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के कमांडो ब्रिटेन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए हैं। यही वजह है कि पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। रूस की स्पेशल फोर्स स्पेट्सनाज अलर्ट पर है, साथ ही साथ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर खतरे में है। वॉल स्ट्रीट जनरल की एक हालिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों की निगरानी के डर से इंटरनेट बंद कर दिया है। पुतिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन दिनों जानकारी के लिए वो पूरी तरह से अपने निजी सलाहकारों की रिपोर्ट पर निर्भर है। क्या मॉस्को पर हमला होने वाला है? क्या क्रेमलिन टारगेट पर है? रूस के सैन्य ठिकाने खतरे में है? क्या रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर निशाने पर है? क्या रूस के परमाणु तहखानों पर ड्रोन अटैक होने वाला है? क्या रूस में अब आए दिन ऐसे हमले देखने वाले हैं? क्या रूस के शहरों में ऐसे ही बारूद की आग धधकने वाली है? रूस के शहरों के साथ साथ क्या अब रूस के सैन्य अड्डों पर भी ऐसे ही बारूद की आग धधकने वाली है? क्या यूक्रेन के ड्रोन रूस के परमाणु युद्ध करने वाले न्यूक्लियर बॉम्बर को तबाह करने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या यूक्रेन के अटैकिंग ड्रोन से रूस की सेना खौफ में? ऐसे दावे किए जा रहे हैं, साक्षात प्रमाण देख लीजिए। प्रमाण नंबर 1, प्रमाण नंबर 2, प्रमाण नंबर 3, प्रमाण नंबर 4, प्रमाण नंबर 5, प्रमाण नंबर 6, प्रमाण नंबर 7, प्रमाण नंबर 8, प्रमाण नंबर 9, प्रमाण नंबर 10। ऐसे प्रमाण पेश कर दावा किया गया है कि यूक्रेन ने अपने हमलावर ड्रोन से रूस के उस एंगल्स 2 एयरबेस पर एक बार नहीं, तीन बार निशाना साधा है। हमला नंबर 1, हमला नंबर 2, हमला नंबर 3। यूक्रेन के इन हमलों के प्रमाण के तौर पर रूस के एयर डिफेंस के सक्रिय होने के इस वीडियो को पेश किया गया। यही वजह है कि दावा किया गया है कि रूस ने अपने परमाणु बम वर्षक बेड़े को एंगल एयरबेस से दूर पूरब में शिफ्ट कर दिया है। रूस ने अपने परमाणु बम वर्षक बेड़े को एंगल्स एयरबेस से सुदूर पूरब में अमुर इलाके में मौजूद ओक्रेंका एयरबेस पर पहुंचा दिया है। दावा किया गया है कि रूस की एयरफोर्स ने कम से कम अपने 4 से 6 न्यूक्लियर बॉम्बर TU-95 को ओक्रेंका एयरबेस ट्रांसफर कर दिया है। रूस का एंगल एयरबेस यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर है। वहीं ओक्रेंका एयरबेस एंगल से 7235 किलोमीटर दूर पूरब में स्थित है। पहले एंगल्स एयरबेस से परमाणु बॉम्बरों की शिफ्टिंग और रूस की न्यूक्लियर फोर्स का बेलग्राद से अपने परमाणु हथियारों को हटाना, क्या ये रूस पर बहुत बड़े हमले की ओर इशारा है या फिर ये रूस का डार्क सीक्रेट है? सवाल बहुत से हैं जो पुतिन के डर से जुड़े हैं, पुतिन की चालाकी से भी जुड़े हैं। लेकिन अगर यूक्रेन खुल्लम खुल्ला रूस पर हमला करने लगा तो रूस काउंटर अटैक में इसे रोकने के लिए क्या करेगा? इसकी कल्पना किसी कयामत से कम नहीं है।